हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दियास वीलॉग। आज हम इस वीडियो में बच्चे की हेल्थ और हाइजीन से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम नेल ग्रूमिंग कहते हैं। सभी फर्स्ट टाइमर पेरेंट्स को एक बहुत ही बड़ा डर होता है बच्चे के नेल्स काटने का। न्यूबॉर्न बेबीज़ जो होते हैं उनकी नेल ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, विच मीन्स कि एवरी टू डेज़ आपको लगेगा ऐसा कि हाँ, बच्चे के नेल्स इतने बड़े हो गए हैं कि हमें दोबारा कट कर देने चाहिए। सिंस न्यूबॉर्न बेबीज़ काफ़ी डेलिकेट होते हैं, तो हर कोई एक ऐसा मेथड चाहता है जिससे बच्चे को कोई भी इंजरी ना हो। तो आइए अब जल्दी से हम इस वीडियो में देख लेते हैं कि हम दिया के लिए ऐसा क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं। पहले हम दिया के लिए एक बाउल में थोड़ा सा ल्यूकवॉर्म वाटर ले लेते हैं, जिसमें हम उसके दोनों हाथों को पहले भिगो देते हैं, सो दैट उसके नेल्स काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएं एंड ईजिली फिर कट हो सकें। फिर उसके हाथों को हम टॉवल से पैन ड्राई कर लेते हैं। पैन ड्राई करने के बाद में इस सीज़र की हेल्प से हम उसके नेल्स को ईज़िली कट कर लेते हैं। इस सीज़र को जस्ट ग्रूमिंग सेट के साथ मैंने ख़रीदा है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप अमेज़ॉन से उसको परचेज़ कर सकते हैं। बेस्ट टाइम जिसमें हम प्रेफर करते हैं दिया के नेल्स कट करने में, वो तब होता है जबकि वो सो रही हो, क्योंकि सोते समय वो बिल्कुल भी नहीं हिलती है और वो ईज़िली प्यार से जो है अपने नेल्स कट करा लेती है, जो कि कंपैरेटिवली जागते समय काफ़ी टफ होता है। आई होप ये छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई हो। मैं आपको आगे भी अपने बच्चे से जुड़े हुए एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी, जो कि आपको भी आपके बच्चे के लिए काफ़ी काम आएंगे। एंड अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।